राजधानी दिल्ली का साक्षी हत्याकांड लोग आज भी नहीं भूले होंगे। कोर्ट में पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की है। घटना के कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए थे, इसमें साहिल लगातार चाकू मारते दिखाई दे रहा था। अब साक्षी के परिवार को जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पुलिस ने 640 पेज की अंतिम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। गली में लोगों की भीड़ के बीच 16 साल की लड़की की चाकू घोप कर हत्या करने वाले साहिल के खिलाफ पुलिस की जांच पूरी हो गई है। आज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चर्चित शाबा डेरी मर्डर केस में आरोपी साहिल के खिलाफ अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसने भी नाबालिग लड़की की हत्या का खौफनाक वीडियो देखा वो सहम गया। अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल के खिलाफ 640 पेज की अंतिम चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। एक महीने पहले दिल्ली पुलिस ने शाबा डेरी हत्याकांड की मृतका के तीन दोस्तों से जांच में शामिल होने को कहा था। साक्षी को 20 से ज्यादा बार चाकू मारा गया था। इसके बाद भी साहिल का जी नहीं भरा और उसने सीमेंट के स्लैब से उसे कुचल दिया। मौके पर ही साक्षी की मौत हो गई थी। उसके शरीर पर चोट के 34 निशान पाए गए। खोपड़ी बुरी तरह कुचली हुई थी। आरोपी साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया था। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाबा डेरी इलाके में साहिल ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक नाबालिग लड़की की चाकू की 40 से अधिक वार कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूक दर्शक बने वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।